ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. In the name of Allah, the most beneficent and merciful, never take those killed in the way of Allah as dead. Rather, they are alive with the Lord well provided. Dedicated to the memory of the Shuhada martyrs who laid their lives for the defense of Pakistan as a tribute to their valor and supreme sacrifices. The soldiers of Four Corps pledged to uphold their traditions and fight for the security and honor of Pakistan. Muzz Khatin Ozaat, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. 6 सितंबर का दिन यौम दिफाए पाकिस्तान और आज के दिन मैं मोहम्मद नूरुल हसन आपके साथ 92 न्यूज़ के चैनल पर. मैं कभी आप भी जब कहानी पढ़ते हैं स्कूल में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की, शहदा के बारे में बात करते हैं, वतन के गीत सुनते हैं तो दिल भर भी जाता है, आंखें डुबडुबा भी जाती हैं, जज्बा फिर से बेदार होता है कि हमें अपने इस वतन की हिफाजत हर कीमत पर करनी है, अपना तन मन धन इस पर लुटा देना है. यादगार शहदा लाहौर में मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ भी शहदा के नाम दर्ज हैं, आर्मी का म्यूज़ियम साथ है, वहाँ उन 20,000 शहदा के नाम दर्ज हैं, वो हमारे दिलों पर दर्ज हैं एक एक पाकिस्तानी के. आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ शहदा फैमिलीज़ से ख़ुद भी मिल सकें, आपको भी मिलवा सकें, उन यादों को ताज़ा कर सकें, उनके जज्बे, उनके वलवले और उनकी अज़मत को सलाम पेश कर सकें. आज के दिन में आपको सब चैनल्स पे, रेडियो, टेलीविज़न पे, अखबारात में यही बात पता लगेगी और यही बात हम जानेंगे और उन माओं का भी ज़िक्र ख़ास तौर पे करेंगे जिनके मुतलिक जो सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब ने कहा और मलका तरन्नुम नूरजहाँ की आवाज़ में हमने सुना, तन पाग ने उन्हें मावा दे जिन्हें मावा दे जाए नहीं, तन पाग ने भैन भरावा दे जिन्हें गोदियाँ वीर खड़ाए नहीं, मान ने माना वाले नहीं तैनू इस दी सार खुड़े, ए पुत्र हटा तो नहीं विकते की लब नहीं है विच बाजार खुड़े. वज़ खातिन औज़ात जो कौम अपने मोहसिनों को याद नहीं रखती उस कौम को भी कोई याद नहीं रखता. अल्लाह ताला इन दियों को हमारी आँखों और हमारे दिलों में हमेशा रोशन रखे. मेरे साथ ही रहिए. लेफ्टिनेंट सैयद इर्तजा शहीद तमगा बिसालत. लेफ्टिनेंट सैयद इर्तजा अब्बास करदेजी शहीद ने 2007 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जाने के बाद 2009 में कमीशन हासिल किया. आपकी तैनाती रहीम यार खान में हुई. 2010 में फाटा को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए आपने कई कामयाब ऑपरेशन किए. दुश्मन को इबरत का निशान बनाने और धरती माँ को दहशतगर्दी के नासूर से पाक करने के लिए आपने अपनी टीम के साथ ऑपरेशन मामूज़ेई किया. दहशतगर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशन भी कामयाब रहा मगर कटासराय में सर्च ऑपरेशन के दौरान दुश्मन की जानिब से बिछाई गई IED पर पांव आने से धमाका हुआ जिसके बायस आप 17 दिसंबर 2011 को करम एजेंसी में शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हुए. मादर वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने पर आपको 2012 में तमगा बसालत मिला. हम अपनी फौज के उन शहदा जिन्होंने अपने सरहदी इलाके के पहाड़ों, जंगलों और वीरानों में मुल्क कौम की खातिर अपनी जवानियाँ कुर्बान कर दी और माओ, बहनों, बेटियों और बेवाओं ने अश्क बार आंखों से अपने प्यारों के ताबूत वसूल किए लाखों सलाम पेश करते हैं और अहद करते हैं कि ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे. हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने हमारे शहदा को दायमी ज़िंदगी दे दी, वो सब कत्ले गए. नोके नेज़ा पे जो सर रखते हैं वो ज़मानों की खबर रखते हैं. अल्लाह ताला उन्हें नए अजसाम अता कर देता है और उनका अमल क़यामत तक जारी रहेगा, सिर्फ हमें इसका शऊर नहीं. ये अल्फाज जो भी मैंने आपकी खिदमत में इक्तबास जो पेश किया ये सैयद एजाज हुसैन करदीजी और लेफ्टिनेंट सैयद इर्तज़ा अब्बास शहीद के वालिद ग्रामी और उनकी वालदा माजिदा सैयदा रुखसाना काज़मी, हम यहाँ खैमा नजफ़ में मौजूद हैं जो उनकी रिहाइश का है. सर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
شاہ جی پاکستان کی قوم، میرے جیسا ناچیز، وہ سب ہمارے ویورز، ہم قرض ہی ہیں آپ کے، ہم آپ کا قرض کبھی اتار نہیں سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی لخت جگر اور اپنا سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اس ملک کو قوم کے لیے پیش کر دیا. میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو. بڑی نوازش ہے. بیٹا میرے پیارے راجا، تم ہی مجھ کو یاد آتے ہو. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے، اور 9 برس کا فرق ہے جو بڑی بہن اور ان کے، تو بہت لاڈلا اور بہت، جب بھی آتا تھا ڈونڈوپا سے تو آتے ہی اس نے کہنا امی سب کو بلا دے. میں بتاتا نہیں تھا کہ میں نے آنا ہے، اور ہمیں کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی بچے کی پیرنٹس جو ہیں وہ فون کر کے کہہ دیتے تھے کہ آج بچے آ رہے ہیں. تو ہم رات میں جاگ رہے ہوتے تھے، صبح صبح 4 بجے آواز آنی رکشے کی، تو انہوں نے بھاگ کے نیچے جانا کھولنے کے لیے، تو اس نے ایک دم سے کہنا یہ کیا بات ہوئی، آپ کو کیسے پتہ چل گیا، میں نے تو سرپرائز دینا تھا. وہ ایسے لگا جیسے وہ ساری عمر ہمیں سرپرائز ہی دیتا رہا، آخر میں بھی وہ سرپرائز دیتا رہا. آپ کی نسبت ہے اور صابرین کا ہم اگر ذکر کریں، کیا طاقت ہے اس صبر کی؟ کہتے ہیں کہ کلیجے کی طرح ہوتی ہے اولاد، اور ہم کوئی نغمہ سنتے ہیں، کوئی گیت سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں دل کو. آپ کیا کہیں گے شاہ جی؟ آپ بھی میں یہ کیفیت اصل میں الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، اس کو دل ہی جانتا ہے یا انسان کے احساسات جانتے ہیں. اولاد کی محبت نو ڈاؤٹ کے بہت زبردست محبت ہوتی ہے، لیکن اپنی زندگی سے اعلیٰ مقصد کے لیے جان دینا یہی شہادت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے فوز العظیم کہا ہے. میں وہ کہتا بھی تھا کہ امی اپنی جان کی قیمت جنت سے کم نہیں رکھتی. اللہ، میں نے شہادت ہی حاصل کرنی. اللہ، وہ کہتا نہیں امی آپ کو کیا پتا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں کے مقصد جو ہے نا وہ بڑے بلند ہیں. اس طرح سے ہم اپنے لوگوں کو وہاں بہت مسائل میں دیکھ رہے ہیں. سرحد کے اوپر پارا چنار کی سب سے اونچی پہاڑی پہ میرا خیمہ ہے، اور جس طرح سے وہاں صدہ میں اور سب طرف جو حالات ہیں، تو ہمیں اپنے ملک کے لیے، حفاظت کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. آپ نے گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، شہید ہونا ہے. میں نے بہنوں کو لکھتا تھا کہ دیکھو بھائی میں شہید ہو جاؤں گا. آپ کے پاس وہ خطوط بھی موجود ہیں؟ اور بچپن کے نہیں، یہ خطوط نہیں. واٹ یو مس دا موسٹ، سب سے زیادہ کوئی یاد اگر ایک آتی ہے، کس پہر میں سب سے زیادہ آپ سے اگر کچھ ہو؟ مجھے کہتا تھا کہ امی آپ کو تو میں یاد نہیں آؤں گا، اگر کچھ ایسا ویسا ہو جاتا ہے آپ کو میں نہیں یاد آؤں گا، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ رہا ہی نہیں. تو میں کہتی بیٹا آپ کو کیا پتا کہ ہم لوگ یاد کرنا تو بعد کی بات ہے، وہ اپنے اندر اپنے خیال اپنے دل. مجھے تو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں نے یہ اتنی بڑی تصویر لگائی ہوئی ہے، یہ مجھے وہاں پی ایم اے سے ہی مجھے اوکاڑا والوں نے مجھے بھیجی تھی، وہاں ایک پروگرام ہوا تھا، تو وہاں سے تو مجھے، میں اس چلتی پھرتی دیکھتی رہتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ساتھ، اور میں فیل بھی کرتی ہوں بات. یہ بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہے، یہ میری کیفیت بھی یہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹا ابھی محاذ پر ہے، اللہ اکبر، ابھی وہ آیا نہیں، وہ آئے گا. یہ اتنا تسکین دیتی ہے یہ چیز سوچ کر مجھے. جہاں تک آپ نے اس کو یاد کرنے کا فرمایا ہے، تو میں کبھی بھولا ہوں تو اسے یاد کرنے کی بات. بیٹا میرے پیارے راجا، تم ہی مجھ کو یاد آتے ہو. وہ تو ہر وقت دل میں رہتا ہے. اللہ، لوریاں مائیں نہیں سناتی اس طرح سے جیسے ہم شاید ٹیلی ویژن اور بہت سارے ایلیمنٹس آ گئے وہ، لیکن سنیں بڑی تاثیر ہوتی ہے لوری کی، یہ وہی خیال جس طرح وزن دیتے ہیں. آپ کی کیا یاد میں، آپ کیا کس کیا لوری سنی؟ اور ایک لوری تھی کہ آ جا رہی لیا. وہ جنرلی مدرس جو ہیں بس یہ کنٹرول دی چلڈرن، جی بے شک،
से मोहब्बत, दीन और आपको पता है कि हमारा असासा है, और जिस बच्चे ने जिस माँ की गोद में आँख खोली हो और उसने जिक्र इमाम सुना हो और उन कुर्बानियों का जिक्र सुना हो जो अपने दीन के लिए थी, तो लाजमी बात है मजहब से भी मोहब्बत, मुल्क से भी मोहब्बत और अपने अजीज़ों से भी मोहब्बत का जज्बा ये था कि बहन भाइयों के बगैर वो एक मिनट में आता था तो एक मिनट को कहता था कि ना हो कि सब पहुँच जाएंगे, और मैं उसको बोलती थी कि बेटा मेरे में हिम्मत नहीं है संभालने की, मैं खुद संभाल लूँगा, मैं खुद बाहर से अरेंज करवा लूँगा, आप सारों को बुला लें, मतलब तरसा हुआ होता था सबसे मिले। जिन कुर्बानियों का आपने जिक्र किया तो हम तो अमीन हैं इस पाक सरजमीन के, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला गारत करे उन्हें जो इसके बदखाँ हैं और जो इस अमानत में खुदा ना खास्ता खयानत करते हैं, और वो सलाम है उन शहीदों को और गाजियों को जो अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, और इन वालदेन को जो अपने बेटे निछावर कर देते हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए। आपकी इजाज़त से अगर ये मुमकिन हो तो क्या हम उनका यूनिफॉर्म और कुछ सामान आपके साथ देख सकेंगे? हाँ बिल्कुल ज़रूर, प्लीज़ दैट वुड बी माय प्लेयर। अच्छा, आप वो जिक्र कर रही थी शाह जी का कि जब वो लोग तो क्लास एट में तो क्या करते थे वो सामान की तैयारी, आई हर चीज़ का ख्याल करते थे, उसके बूट जो हैं शूज जो हैं उसके तस्मे तक खुद बाल शाह जी खुद करते थे, जानते थे सारे फैमिली को लगा देते थे कि इसके बैग को देखो कोई चीज़ कम तो नहीं है, तो जाना होता था उसमें उस वक्त लोटो का। उसके बाद हम कह रहे थे वहाँ जा के क्या करेगा, गुजारी बात है सबसे पहले हमें उसको तस्मे बांधने ही सिखाए गए और वहाँ भी यही कुछ सिखाया गया। ये वो यूनिफॉर्म है जी, और उसके पी एम ए के भी हैं और उसके उतार के थोड़ा सा आप अगर दिखा सकें तो ये मेरे बेटे की यादें हैं, मैं इन्हें कम ही देखती हूँ, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं जी कि एक सीक्रेट है कि मैं उसकी पॉकेट जो कोट की जेब है उसके अंदर मैं उसकी जब पेंशन आती है तो उसमें रखती हूँ, और मुझे जब भी पैसे चाहिए होते हैं तो मैं वहाँ पे बस दफ़ा भूल जाती हूँ कि उसमें है, तो मुझे हमेशा वहाँ से पैसे जो हैं वो मिल जाते हैं। तो मैं यही समझती हूँ कि मेरा बेटा जॉब पे है, उसकी तनख्वाह मुझे आ, बस अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करे, वो हर टाइम मेरे साथ साथ है, और उसको शौक था शहादत का, और मुझे भी वो हौसला दे के गया कि अम्मी बड़ा सा दिल रखते हैं, और शहीद का वालिद जो है ना उसके कंधे जो है वो तने हुए होने चाहिए, कभी झुके हुए नहीं होने चाहिए। अब मैं इनको यही याद दिलाती रहती हूँ जब भी ये आज़ुर्दा बैठे हुए होते हैं कि आपको याद है आपका बच्चा आपको देख रहा है, तो वो परेशान हो रहा होगा कि मेरे बाप को जो क्या हो गया क्यों रो रहे हैं, लेकिन ये है कि फितरी अमल है कि याद भी आती है, रोते भी हैं, लेकिन उसमें एक जज्बा ये भी होता है कि हमारे बच्चे ने एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा मिशन था जो उसने, आखिरत भी अपनी संवार दी और हमें भी कुछ ना कुछ इनाम जो है। कौम के बेटे आपके बेटे, और मैंने तो आपसे पहले कहा था हम तो कर्ज़ ही है पूरी कौम आपकी, इस कौम ने भी दी है, इस फौज ने भी दी है, अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे और हमारे वतन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इसके बच्चों को अल्लाह ताला बेहतरीन मुस्तकबिल दे, आमीन। हमारी दुआएं हर टाइम इसके साथ, आमीन। बेटा मेरे प्यारे राजा तुम भी मुझको याद आते हो। अजीम ईसार व कुर्बानी की रोशन तर्जुमानी है, धड़कते दिल फना जिस्मों से आगे की कहानी है, जो कुरान में लिखी ऐसी सदा की जिंदगानी है, शहादत जावेदानी है, शहादत जावेदानी है।
जो मट्टी से बने वो खाक में फिर सो गए जाकर, रहे जिंदा वो यादों में, अमर वो हो गए आखिर, उन्हीं जांबाज शेरों की वफाओं की कहानी है, शहादत जावेदानी है, शहादत जावेदानी है। बेटा मेरे प्यारे राजा, तुम ही मुझको याद आते हो। मेजर आतिफ रसूल, तमगा विसाल, जुर्रत हिम्मत की अजीम मिसाल, शेर दिल जवान मेजर आतिफ रसूल शहीद को नवंबर 2003 में पाक फौज में कमीशन मिला। आपका ताल्लुक आर्मी मेडिकल यूनिट से था। 24 अप्रैल 2009 पासिंग आउट काकुल एकेडमी से हुई। 6 अगस्त 2015 को CMH पिंडी से CMH गिलगित जा रहे थे कि मानसैरा के मकाम पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने से शहादत हो गई। आपकी शहादत के एक साल बाद सदर पाकिस्तान ने आपको 14 अगस्त 2016 को तमगाए विसालत से नवाजा। ऐ मेरे फर्ज, ऐ मेरे फर्ज ले मैंने तुझे निभा डाला, न कोताही न है लुज्जत, बस एक घायल की पुकार जो पड़ी मेरे कान में, कहा लबैक मेरे एहसास से फर्ज ने, मेरा ज़मीर मुझे खींच चला वहाँ कि जहाँ एक मर्द मुजाहिद घायल व पशेमां जख्मों से चूर चेहरा लहू लोहान था मुंतजर किसी मसीहा का, बस मेरे साथी बस मैं आया, ऐ मुजाहिद ऐ सफ शिकन मैं आया, मैं हवा के दोष उड़ने को हूँ इधर, मेरी परवाज उड़ी उधर मैं आया, मगर ये क्या, ये मेरी परवाज मुझे कहाँ ले चली, ये क्या जगह है, ये कौन सा जहाँ है, ये मेरा हाथ मेरा चेहरा लहू रंग क्यों हो चला, ये आसमां फिर जमीन बुलंदी एकदम पस्ती आग धुआं या खुदा ये क्या है, तो अब मैं समझा आमदे साथ शहादत, ए खुदा मालिक कुल कुछ इतनी मोहलत तो दे दे कि रस्म मसीहाई निभा लूं, कुछ तवक्कुफ करके गिरते हुओं को उठा लूं, उठी एक सदा आलम गैब से कि बस मसीहा तो तू था ही अब शहीद भी हो गया है, मसीहा तो तू था ही अब शहीद भी हो गया है। मुझे खातिन रात में इस वक्त मेजर आतिफ रसूल शहीद के घर पे मौजूद हूँ। अगर हम मेजर साहब की बात करें तो नसीबों वाले हैं वालदेन जो यहाँ मौजूद हैं, मियाँ ग़ुलाम रसूल साहब, उनकी अहलिया मोहतरमा परवीन अख्तर साहब और मोहतरमा परवीन अख्तर साहब तदरीस से वाबस्ता हैं, 30 साल फेडरल गर्ल्स स्कूल से वाबस्ता वहीं बतौर मुअल्लिमा और फिर रिटायरमेंट भी। आतिफ साहब के भाई असद भी यहाँ बैठे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, भाभी तशरीफ फरमा हैं जो खुद भी एक मुआलिज हैं, डॉक्टर हैं, माहम आतिफ रसूल भी बैठी हैं और सारम भी तशरीफ फरमा हैं। अगर आप सच पूछें तो रहमतुल्लाह, बल्कि ये जो भी मुझसे फ्रेम जिनको मैं दे रहा हूँ, ये वो बैटमैन है जिनका ताल्लुक आतिफ साहब के साथ गुज़िश्ता 6 बरस से है। मेरे कुछ चुभता है, मेरा बच्चा कहीं गिरने लगता है, वो उसकी माँ होगी वो बिस्मिल्लाह कहती है, वो कहती है मैं सद के मैं कुर्बान, लेकिन ये जिन को शहादत का दर्जा नसीब होता है उनके घर वाले मुख्तलिफ होते हैं। मियाँ साहब सलाम पूरी कौम की तरफ से। बेटा मेरे प्यारे राजा, तुम ही मुझको याद आते हो। मैं वो पंजाबी जी कहां तो असी सारे ताडे कर्जे ही हाँ, अल्लाह तन सलामत रखे ते दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। मियाँ साहब आपकी ख्वाहिश थी कि आपके बेटे आतिफ फौज में जाएं, माँ जी की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, और आप लोग हज पे गए, ये किस साल की बात है? मैं 2003 में हम दोनों हज पे गए जी, तो वहाँ जाके मैंने जो दुआ की थी ना खाना काबा में बैठ के जी, वो मैंने दुआ की थी कि मेरा बेटा आर्मी में चला जाए। ठीक, और उसकी वालदा जो है उनसे ज़रा आपकी क्या दुआ थी जी माँ जी? मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी कि मेरा बड़ा बेटा जो है ना डॉक्टर बने,
تو اس کو ادھر علامہ اقبال میڈیکل کالج میں بھی ایڈمیشن اس کو مل گیا تھا, لسٹ میں نام آ گیا ہوا تھا, اور ادھر اس نے آرمی میں بھی ٹیسٹ دیا ہوا تھا. اللہ نے دونوں کی دعا اسی وقت قبول کر لی تو بیٹا آرمی میں ڈاکٹر بھی بنا اور آرمی میں بھی چلا گیا. میں ابھی جب آپ سے ملا آپ نے مجھے وہ ٹکٹ دکھایا. جی جی جی. اور وہ کون سا سال ہے اور آپ نے اس کو کیسے سنبھال کے, وہ آپ ذرا شیئر کریں گے یہ سب ہمارے ساتھ؟ جب ادھر کا لیٹر آیا نا, وہ نومبر کا مہینہ تھا میرا, 3-4 تاریخ تھی, 3-4 نومبر کی تھی, تو 7 نومبر کو جوائننگ دی کلاس شروع ہونی تھی. تو رات کو یہاں سے ایک صبح خرام ہے یا وہ ٹرین چلتی ہے رات کو 12:40 پہ 1:15 بجے, ٹھیک ہے, تو وہ ٹکٹ جو میں نے خریدی تھی نا جی بیٹے کو پنڈی لے جانے کے لیے, وہ ٹکٹ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے. یہ وہ ٹکٹ ہے, یہ دیکھیں اس کی ڈیٹ بھی وہ لکھی ہوئی ہے, یہ ریل کار کی ٹکٹ بھی ہے. بیٹا میرے پیارے راجا تم بھی مجھ کو یاد آتے ہو. عاطف کو کیسے آپ تینوں میں سے, اگر میں ان کے بارے میں بات کروں تو کیا کہیں؟ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ بڑا تھا جی, تو اس لیے وہ زیادہ پیارا تھا جی, اور دوسرے وہ لائق بھی بہت تھا, بہت ٹیلنٹڈ تھا. اب ہم سنتے ہیں تو بڑا دل پہ ہال کہ وہ جی کس طرح کیسا جگرا ہوتا ہے. ہم جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی دیکھنے والے, جیسے جو بات ہم کہانیوں میں پڑھتے ہیں, جو ہمیں جو ہم بچوں کو سکھانے کے لیے پڑھتے ہیں, آپ لوگ وہ مثالیں ہیں اس میں. بطور ماں آپ کیا کہیں گی؟ دیر پہاڑی کا نام ہے, دیر علاقہ جی, جی جو سارا بنتا ہے وہ جی. ایک چوٹی ہے جس کو دہشت گردوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور اس کو کلیئر کروانا تھا, تو وہاں اس کو بھیجا تھا ایز اے جی, وہ ایس ایس جی کی جو پوسٹ تھی انہوں نے اس کو ایز اے میڈیکل آفیسر ساتھ بھیجا تھا. تو پھر میں بہت پریشان تھی بہت ہی زیادہ, لیکن جب وہ آپریشن کمپلیٹ ہوا اور بعد میں آیا تو پھر اس نے بتایا کہ آپ ایسی پریشان ہو رہی ہیں, ہم تو ڈاکٹر ہیں, ہم نے تو مریضوں کا علاج کرنا ہے, ہم کوئی آگے لڑنے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں. جتنا میں مل سکا ہوں جو شہید ہیں ان کی جو اہلیہ ہیں یا ان سے, یقیناً اللہ رب العزت کی ذات دیتی ہے, لیکن آئی تھنک اٹ ٹیکس اے لاٹ ٹو بی, مطلب شریک سفر ایک سپاہی کا ہونا, اور مطلب ایک محاذ آپ نے یقیناً سنبھالا تھا, کیا ہے, کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ بالکل, میں تو یہی کہتی ہوں فوجیوں کی جو فیملیز ہیں نا, وائفز ہیں ان کی, ان کی لائف جو ہے وہ آرمی پرسن سے زیادہ ٹف ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جب میں چھوٹی تھی نا تو میں 6 ستمبر کے جب پروگرام دیکھتی تھی نا ٹی وی پہ, آتی تھیں شہدا کی مائیں بہنیں ان کی بیویاں وغیرہ, میں انہیں دیکھ کے میں یہ سوچتی تھی کہ ان کے اندر اتنا حوصلہ کیسے آ جاتا ہے کہ یہ اتنے صبر سے بول رہی ہیں, تو لیکن آ جاتا ہے خود ہی اللہ, وہ آپ کی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, خود ہی دے دیتا ہے, ہمیں نہیں پتہ چلتا. جن کا بہت زیادہ ساتھ عاطف شہید کے ساتھ, ان کے بیٹ مین یہاں موجود ہیں. میں یہ بات اگر یہ کہوں تو ایسے ہی ہے کہ بیٹ مین کا اور جس آفیسر کا بالکل سائے کی طرح کا ساتھ ہوتا ہے؟ بالکل سائے. میس پہ نا انہوں نے مجھے بلایا, تھوڑی دیر بعد مجھے کہتے ہیں جی کہ ایمبولینس کا پتہ کریں وہ کہاں کھڑی ہے جس میں ہم نے ہیلی پیڈ پہ جانا ہے سر. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں چلا گیا جی. شام کے وقت خبروں والا چینل ہی لگا ہوا تھا, تو سامنے میری نظر پڑی ہے نا سر, تو وہ ہیلی پیڈ کا بتا رہے تھے آرمی کا سر. میں نے کہا وہ میجر صاحب کو بھی تو میں بھیج کے آیا ہوں نا, جب میں نے میجر صاحب کا نمبر ملایا تو نمبر ہی نہیں مل رہا. ویسے تو میاں صاحب بتا رہے ہیں کہ جب آپ ہیں آرمی میں شاید مینٹلی تیار رہنا پڑتا ہے, جیسے ایجنسی کا بھی جب وہ آپریشن تھا وہ, لیکن کوئی انڈیکیٹر یا کوئی ایسی بات آپ سے کبھی ہوئی؟ وہ کہتے تھے مجھے کہ میری زندگی تھوڑی ہے, جب آتے تھے تو میں بچوں کو ان کے پاس کرتی تھی کہ آپ بچوں کو یہی کہتی تھی کہ جاؤ بابا کے پاس, ہر کام بابا کے پاس. کہتے تھے بچوں کو میرے ساتھ زیادہ نہ اٹیچ کرو کہ میں یہاں ہوتا نہیں ہوں تو تمہیں تنگ کریں گے. میرے صاحب آپ کے تینوں لائک فائیو بیٹے ماشاء اللہ, اور پھر ایک کو شہادت کا رتبہ ملا. میں اگر یہ پوچھوں کہ اس کے بعد جب آپ
जाते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, किस तरह से आपको क्या लोगों के एहसास होते हैं जब वो आपसे मिलते हैं? पहले वो मेरा बेटा मेरी वजह से जाना जाता था, अब मैं उसकी वजह से जाना जाता हूँ। अल्लाह हू अकबर। तेरे जाने के बाद बाकी तो सब ठीक है, एक दिल था जहाँ अब वहाँ दर्द रहता है, क्यों गर्दिशे मदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूँ प्याला और सागर नहीं मैं। बेटा मेरे प्यारे राजा, तुम भी मुझको याद आते हो। माहम जो हैं ये कोई बहुत अच्छा नगमा हमें सुना सकती हैं पाकिस्तान से मोहब्बत का? थोड़ा सा। अच्छा, ये आप पकड़ोगे? आप तो इतनी प्यारी बेटी हैं, आप हमें सुनाएंगी दिल दिल पाकिस्तान? दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमान, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। जीते रहो। सारे मां आपसे बात कर लें थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा जी, ये बताइए कि आप बड़े होके क्या बनेंगे? फौजी। अच्छा, ये आप हमें बताएंगे ये क्या है? बाबा की कैप है। बाबा की कैप है। अच्छा जी, और ये बाबा के बैज भी हैं साथ? ठीक है जी। और उनके मेडल आप ये पहन के फौजी बनते भी हैं? अरे वाह, तो सलूट भी करते हैं? कैसे करके बताओ? अरे जिंदाबाद, ये तो हम तो आपको सलूट करते। बाबा मेरे प्यारे बाबा, मुझको भी तुम याद आते हो। वतन के वास्ते कुर्बान अपनी जान प्यारी की, के इस अर्ज़े वतन की अपने खून से आबियारी की, मैसर है जो आजादी इन्हीं की, बागबानी है शहादत जावेदानी है, शहादत जावेदानी है। वतन के इश्क से सरशार ये बेखौफ हैं लड़ते, जो दुश्मन है वतन का उससे ये बिल्कुल नहीं डरते। वतन बाकी रहे ये जान तो फिर आनी जानी है, शहादत जावेदानी है, शहादत जावेदानी है। बाबा मेरे प्यारे बाबा, मुझको भी तुम याद आते हो। मेजर अली सलमान नासिर सितारा बसालत। शहादत का अजीम जज्बा लिए मेजर अली सलमान नासिर सितारा बसालत ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से 2005 में ट्रेनिंग मुकम्मल की, 2008 में कैप्टन और 2014 में तरक्की करके मेजर बन गए। 2014 में उन्होंने कंबाइंड मिलिट्री इंटेलिजेंस ज्वाइन की। अगस्त 2017 को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के यौम आज़ादी की खुशियों को खून में रंगने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, तो पाक फौज ने उनके खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। शेर दिल टास्क फोर्स के शेर दिल जवान मेजर अली सलमान नासिर इस ऑपरेशन में पेश रहे। शहादत के अजीम एजाज के अलावा आपको 23 मार्च 2018 को सितारा बसालत से नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये तस्वीरें इन सभी की हैं जी सामने? ये अभी उनकी बरसी से पहले जी डिज़ाइन किया। ये उनकी जिंदगी के चार शेड जो फौज में थे, एज ए कैडेट, ठीक, एज ए लेफ्टिनेंट और एज ए कैप्टन एंड देन एज ए मेजर। और इनकी पैदाइश 5 अगस्त को हुई, तो मैं कहता था कि ये शेर का पंजा है।
शेर का पंजा, बिल्कुल ठीक। और ये इसी तरह बिहेव करते थे, जो काम करना है जो वो 33 साल की उम्र और अपनी 33वीं सालगिरह से 4 दिन बाद उन्होंने जामे शहादत नोशी। बेशक सर, सर आइए तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको अभी तारुफ कराऊंगा। जी जी, अली की नानी अम्मी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अली, अली की वालदा हैं जी। अली की छोटी बहन है। अस्सलाम वालेकुम। ये अली की फैमिली है। अस्सलाम वालेकुम। अली की मिसेज हैं, शाबेज अली हैं, ये अब्दुल्ला अली हैं, सबसे बड़े बेटे ये हैं, बड़े बेटे हैं। ठीक है जी, साथ में। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी बात कर लूँ जी। आप प्लीज़ 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 बैठे। क्या कहेंगी भाई के हवाले से आपके? मैं समझती हूँ कि एक तो अली भाई मेरे बड़े भाई थे, तो मुझे बचपन से लेके अभी तक, इवन अभी तक मुझे तंग करते थे, मेरे साथ बहुत मजाक करते थे। तो पहले जब मैं छोटी थी तो मुझे सारे मेरी शक्ल मिलाते थे भाई से, तो मैं बड़ा चिढ़ती थी कि क्यों मेरे मुझे आपा के साथ क्यों नहीं मिलाते। तो उस वक़्त इस तरह हमारा रिलेशनशिप इस तरह का था, तंग करने वाला भाई का। लेकिन अब मुझे सब कहते हैं तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने मेरी अपने भाई के साथ इतनी रिजेम्बलेंस लेके रखी भी है कि जो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं उनकी बहन की बहन। ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद अब यहाँ हम असेंबल कर गए हैं और बैठ गए हैं, और जो ऑपरेशन था जिसमें सलमान शहीद सतारा वसालत उनकी शहादत हुई, उसके हवाले से भी सर से बात हो रही थी। तो जुर्रत और बहादुरी और हिम्मत की चटाने बैठी हुई हैं। कभी मुझे समझ नहीं आता आप कहाँ से बात शुरू करें, लेकिन शावेज से बात मैं पहले, मेरा दिल चाहेगा कि मैं करूँ। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब वो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वन लीली। वन लीली, राइट। तो क्या खेलते हैं शौक से? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट में बॉलिंग या बैटिंग या ऑलराउंडर? बैटिंग। आपका आगे क्या क्या बनना है बड़े होके, क्या सोचा कुछ? जो भी अल्लाह ताला की मर्जी हो। जो भी अल्लाह ताला की मर्जी हो। मैं आपको बताऊं कि मैंने शावेज से क्यों मैंने चाहा कि मैं उससे बात करूं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ के सब रहने वाले भी जो हैं वो बड़े राजी बिर रज़ा हैं। वो आप मुसलमान शहीद की वालदा की बात करें, उनकी नानी अम्मा की बात करें, उनकी अहलिया की बात करें, एंड ये इनसे सुन के तो शायद हमें स्क्रिप्ट लिखने चाहिए और वो सोचना चाहिए वो दिल से जो बात होती है वो किस तरह की होती है। आप उसकी उम्र देखें, आप वो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। तेरे आप इजाज़त दें तो मैं आपकी दादू से बात कर सकता हूँ भी? कैसे बच्चों को ये पता लग जाता है कि जो अल्लाह को मंजूर हो? हमें से तो बहुत सारे लोग बहुत बड़े हो जाते हैं, वो ये बात उनके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है कि खुदा की रज़ा क्या होती है। हम तो फ़कीरों दरवेशों को देख वो जान पाते हैं, वो इतनी इतनी बड़ी हस्तियाँ राजिब रज़ा होती हैं। ये कैसे मिल जाती है तालीम? ये मेरे ख्याल है जी घर के माहौल से मिलती है, क्योंकि हमारे घर का माहौल ऐसा है कि अल्लाह पे छोड़ देना, अल्लाह की रज़ा में राज़ी। वो बच्चे फिर जो देख रहे हैं तो फिर वो उसी को फॉलो करते हैं। आप मुझसे कह रही थी कि घर में सब हैं जी? सब हैं घर में, लेकिन अली नहीं है तो बस ऐसे सन्नाटा है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो सबको इन्वॉल्व रखता था अपने साथ होता था। तो फिर जाहिर है वो अब वो नहीं है तो घर में वो चीज़ नहीं है। मैं अगर एक ऐसा व्यूअर हूँ और मैं ये कहूँ कि ठीक है एक आर्मी की फैमिली है, बैकग्राउंड आप उनका बहुत ही जी नान का और दाद का जी,
माजरत, जस्ट बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, इफ आई से कि एक बेटा तो क्यों आपको नहीं लगा कि वो तो, और वाकई जैसे जो उनकी नौयत जॉब की, वो तो वाकई खतरों के खिलाड़ी वाली बात है और मौत की आंखों में आंखें। ये पहली दफा तो उसने मौत को नहीं करीब से देखा, अब तो खैर उसने मौत को गले ही लगा लिया, शहीद हो गया, लेकिन इससे पहले उसने बहुत करीब से देखा मौत को। उसके साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो कुछ तो उसने घर पे बताया, कुछ उसने नहीं बताया, हमें नहीं बताया उसने, लेकिन वो इवन देन ही वॉज सो कंटेंटेड कि नहीं अम्मी, ये मेरा इसमें मेरा फ़र्ज़ है, अब इस मुल्क के लिए कुछ करना है। और जब से APS का वाक़या हुआ था और ही वॉज़ इन पेशावर एट दैट टाइम, वो वहीं पे पोस्टेड था, उसके बाद से तो उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आई। APS में जाने वाले जो लोग थे जी, उनमें इसका कमांडर था जी जनरल नादर जी, इसका जीवन था, कर्नल साहब थे, अली था, और अली जो है उस स्कूल में पढ़ता भी रहा है। अच्छा जी, छठी पाँचवीं छठी जमात में ये वहीं पर वहाँ पर पढ़ा। तो जब ये उधर हॉल में गया है तो हॉल में इतना ब्लड था कि आपकी चप्पल जैसे पहनी हुई थी इसने, सर्दियाँ और चप्पल पहनी हुई थी पिशावरी, तो वो कहता कि वो सारी खून में भीग गई, मेरी जराबें भी भीग गई। तो वो जो इफेक्ट था उसका APS का, वो बहुत बड़ा फैक्टर था इसकी ज़िंदगी में। मैं आपकी जगह से समझ, आप जो इस एक साल की बात हो रही है, तो आप तो उनके साथ क्या वो तब्दीली थी, क्या वो सोच रहे थे जिसका सर भी जिक्र कर रहे हैं, इवन स्पेशली फॉर द लास्ट वन ईयर। भाई ये जो चेंज था ना, ये इसमें एक आप कहते ना कोई एक ऐसा सानिया आपकी ज़िंदगी में हो जाता है जिसके बाद आपको लगता है कि रियलिटी चेक मिल जाता है आपको। और आपको पता है कि अल्लाह ताला ने भी कहा है कि आपका माल और आपकी औलाद आपकी आजमाइश है। तो जब APS का अटैक हुआ तो मेरा बेटा उस स्कूल की एक और ब्रांच में था वहाँ पे उस टाइम पे, और अली के मुझे अल्फाज थे कि तुम बेटे को लेने जाओ, मुझे कॉल आ गई है ड्यूटी की। अली क्योंकि ख़ुद गए उस ऑपरेशन में, पार्टिसिपेट किया उन्होंने, तो उनके लिए वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना, उस गम को, उस उन बच्चों की जो कैफियत थी जिस तरह वो मुझे बताते थे, तो उस चीज़ ने बहुत असर किया हुआ था अली की। आप बचपन का जिक्र कर रही थी कि आपने ही सबसे पहले उनको जी, सबसे पहले मैंने उसको गोद में लिया। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मैंने इतनी बड़ी हस्ती को गोद में उठाया हुआ है, मैं उसको पानी पिला रही हूँ। वो पहली रात मेरे छाती के साथ लग के सोया है, अब वो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं अली सलमान की नाम। बल्कि सर मैं आपसे पूछ रहा था कि आप बहुत बहादुर हैं। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया आपसे कि इंसान की कोई हैसियत नहीं है, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है, ये उसकी मेहरबानी होती है, वो इंसान को बहादुर बना देता है, वो इंसान से जो काम लेना होता है उसके लिए उसको तैयार कर चुन भी लेता सिलेक्ट करता है, चले करता है। बहुत खास सुना होता है आपको अगर एक सोल्जर की बीवी होना है या एक सिपाही की, मतलब आपको कुछ बहुत ज़बरदस्त किस्म की खास फौजी की बीवी होना और ये सब जो क्वालिटीज़ एक औरत अपने अंदर फिर ले आती है, इसमें बहुत मेन रोल ये होता है कि आपका शौहर कैसा है आपके साथ। और अगर मैं आज यहाँ पे भी बैठी हुई हूँ तो अली के भरोसे की वजह से, अली के प्यार की वजह से बैठी हुई हूँ। और वही जो 2 घंटे की अली की ब्रीफ थी, वो शायद मेरी आने वाली सारी ज़िंदगी का एक हौसला है और मेरे लिए एक बैकबोन के तौर पर काम कर रही है। लेकिन जो उस दिन का ऑपरेशन था वो एक ख़ास नौयत का था। उस दिन मुझसे अल्लाह ताला ने मेरे बोलने की सकत छीन ली थी। मैं आगे से उन्हें ये नहीं कह सकी कि आप ना जाएं। मैं कहना चाहती थी कि आप ना जाएं, लेकिन मेरे खुदा ने मेरा जो कहते हैं ना आपकी ताकत होती है बोलने की, वो मुझसे ले ली थी और मैं कुछ नहीं कह सकी। नज़रें हसरत से देख रही थी अली को, रोकना भी चाहती थी लेकिन मैं नहीं रोक सकी उन्हें। हमें कभी ये फील ही नहीं हुआ कि अली हमारे साथ नहीं है,
वो हमें, इसलिए हमें अल्लाह ताला ने कुछ सब्र भी दिया है, जो उसको हम मिस करते हैं वो अपनी जगह है, वो अलग अलग चीज़, वो तो उसमें तो एक रति की भी कमी नहीं आ सकती नहीं है, वही वाली जो वही बस वो बात है कि जी उससे हमें, मैं उसकी शहादत का मान रखना चाहती हूँ, नूर भाई अली को तराने बहुत पसंद थे, वो आपने जिक्र भी किया था बाहर के, वो वतन की मिट्टी गवार है ना, वतन की मिट्टी गवार है ना, तो यही है कौम से कि जहाँ पर वतन की मिट्टी गवाह है वहाँ पर ये कौम भी गवाह रहे कि इस मुल्क को अल्लाह ताला ने अपने नाम पे बनाया, क्रिएट किया, और उसको अल्लाह ताला अब जारी भी बेशक इन शहीदों के खून से कर रहा है, बेशक, और ये शहीदों का जो खून है ये रायगा नहीं जाएगा इंशाल्लाह जी। हम कुछ बताओ ना शावेद, आप कुछ कह रहे थे भाई, आप कह रहे थे ना कि आप आर्मी के लिए क्या करना चाहते हो, आप अपने वर्ल्ड के लिए क्या करना चाहते हो, मैं बस ये करना चाहता हूँ कि जितने भी कंट्रीज हैं वो 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 सब के वो सब दोस्त बने, कंट्रीज दोस्त बने आपस में, है ना, लड़ाई मत करें। लफ्ज कोई नहीं है, मैं आप सबको बहुत सलाम और माफ़ी भी कि अगर हमसे कभी कोई गलती हो बात करने में या किसी भी तरह से, आप लोगों का ये सर्व करने का एक नस्ल दर नस्ल सिलसिला चल रहा है, आप बहुत कीमती हैं, आपकी आगोश, आपकी तरबियत, भाभी आप सर, तो दो वर्ड्स टू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मोजिस खातिन हज़रात, मुझे याद है मैंने एक बार एक बच्चा था वो शौकत खानम के, वो हॉस्पिटल में वो कैंसर से लड़ रहा था और मैं उसे एक प्रोग्राम में मिला, तो मैंने उसको ऐसे ही कहा, मैंने कहा बेटा मैं, आप तो बहुत बहादुर हैं, मैं तो इतना बहादुर नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। उसने मुझे कहा कि अंकल आप मुझसे थोड़ी सी बहादुरी ले लें, मैं आपसे चाहूँगा कि आप गिर्द गिर्द जैसे भी एक लोग हों इनसे सब्र शुक्र और बहादुरी लें, अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता करें और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करें। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। हेलो बाबा, और ठीक है बाबा, मैं डोलो आटो पर कॉलिडाई ड्राटी आटो पक चलाने कलला बाबा मोटी आटो बाबा घर होके जाते बाबा, बाबा जी का आप जी का हम ठीक ओके अपनी बाबा।